आज हम बनाने वाले हैं करेला का सलाद। इससे पहले आपने इस तरीके का करेला का सलाद नहीं बनाया होगा, तो प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि ये करेले का सलाद बहुत ही अच्छा और टेस्टी लगता है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सलाद बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 करेले लिए हैं। करेले को मैंने अच्छे से धो के साफ करके ले लिया था पहले ही, तो अभी हम इसको गैस पे रखेंगे। गैस पे एक जाली रखेंगे और उसके ऊपर हम 3 करेले रख देंगे और गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। तो अभी हमें करेले को भूनना है अच्छे से, जैसे हम बैंगन को भूनते हैं सेम उस तरीके से हमें करेले को भूनना है। जिस साइड से करेला पक जाए उस साइड से हमें इसको बार बार टर्न करते रहना है, ताकि करेला जो है कोई भी साइड से जले ना। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है और करेले को बहुत अच्छी तरीके से हमें भूनना है। और हाँ, अगर आपके पास ऐसी जाली नहीं है तो आप करेले को सीधा गैस के ऊपर भी भून सकते हो। तो ये देखिए, हम करेले को अच्छे तरीके से भून रहे हैं। प्लीज आप इस तरीके से एक बार जरूर करेले का सलाद बनाइए, क्योंकि ये करेले का सलाद बहुत बहुत टेस्टी लगता है। तो प्लीज इस रेसिपी को एक बार इस तरीके से जरूर बनाइए। अगर आप एक बार इस तरीके से करेले का सलाद बना के खाओगे तो आप हमेशा बार बार ऐसा ही करेले का सलाद बना के खाओगे, क्योंकि आपको ये बहुत पसंद आएगा। तो अभी देखो, एक साइड से ये करेला पक चुका है, तो अभी हम इसको टर्न कर देंगे और दूसरे साइड से भी अच्छे से भून लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ऑन करना ना भूले, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो ये देखिए, इसमें का एक करेला अच्छे से भून चुका है, तो अभी हम इसको साइड में रख देंगे और सेम तरीके से बाकी 2 करेलों को भी अच्छे से भून लेंगे। तो ये देखिए, दोनों करेले अच्छे से भून चुके हैं, तो अभी हम गैस को बंद कर देंगे। तो अभी हम 3 करेलों को एक प्लेट में रख देंगे और थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। जैसे ही करेले ठंडे हो जाएंगे तो हम इसको एक टिश्यू पेपर लेंगे और इसे अच्छे से साफ करेंगे। अगर आपके पास टिश्यू पेपर नहीं है तो आप इसके बदले में कपड़े से भी करेले को साफ कर सकते हो। इसे बहुत अच्छी तरीके से साफ करना हमें, ताकि करेले का जो भी कालापन है वो निकल जाए। तो इसे हमें घिस के रफ करके अच्छे से साफ करना है। करेला साफ करते टाइम अगर एक टिश्यू पेपर पूरा काला हो जाता है तो उसे फेंक दीजिए और दूसरा टिश्यू पेपर लेके करेले को अच्छे तरीके से साफ कर दीजिए। मुझे यहाँ पे 3 करेलों को अच्छे से साफ करने में कम 3 से 4 टिश्यू पेपर लगे थे। तो ये देखिए, एक करेला हमारा अच्छे से साफ हो चुका है, तो अभी सेम तरीके से हम बाकी भी करेले को साफ कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने 3 करेलों को अच्छे से साफ कर लिया है, और ये देखिए, ये अंदर तक बहुत अच्छी तरीके से पक गया है। सेम इसी तरीके से भी आपका करेला इस तरीके से पका होना चाहिए, तो इससे बहुत अच्छा करेले का सलाद बनता है। तो अभी हम 3 करेलों को अच्छे से कट कर लेंगे, और करेला का जो सामने वाला और पीछे वाला हिस्सा होता है उसे कट करके हम फेंक देंगे। अगर करेला को कट करते टाइम हमें लगता है कि करेला पका नहीं है, कच्चा है, तो उस पोर्शन को हम फेंक देंगे, उसे हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कड़वा लगेगा। बट अगर आप करेले को बहुत अच्छी तरीके से भूनते हो तो वो बहुत बहुत कम कड़वा लगता है, बट वो सलाद बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए, मैंने सभी करेले को अच्छे से कट कर लिया है, तो अभी हम इसमें मसाले डालेंगे। तो अभी हम इसमें 1/2 चम्मच मिर्ची पाउडर डालेंगे। ये घर का मिर्ची पाउडर है, इसीलिए ये बहुत तीखा है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे मिर्ची पाउडर कम लिया है। और इसके बाद हम इसमें 1/2 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। इस सलाद में कोई भी गरम मसाला ना डाले, क्योंकि ये सलाद ऐसे ही बहुत टेस्टी लगता है। और स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और एक मीडियम साइज का प्याज डाल देंगे। प्याज की क्वांटिटी आप आपके हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो, और थोड़े से धनिया के पत्ते डाल देंगे। अगर आपको सलाद में टमाटर खाना पसंद है तो आप इस सलाद में टमाटर भी डाल सकते हो, या फिर आप इसमें 1/2 चम्मच नींबू का रस भी डाल सकते हो। बट मुझे इस सलाद में टमाटर और नींबू का रस नहीं पसंद है, इसीलिए मैंने यहाँ पे स्किप किया है। बट आपको पसंद है तो आप जरूर डालिए। और सबसे लास्ट में 3 चम्मच कच्चा तेल डाल देंगे। अगर आप कच्चा तेल खाना पसंद नहीं करते हो तो आप तेल को गर्म करके भी डाल सकते हो। तो अभी हम सभी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। आप चाहे तो चम्मच से भी मिक्स कर सकते हो, बट बेस्ट वे ये है कि मसाला जो है वो सभी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से लगना चाहिए, इसीलिए मैं हाथ से मिक्स कर रही हूँ।
और हाँ, इस सलाद में आप मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर आपके टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हो। और जो भी तेल आपको खाने में पसंद है वो तेल भी आप इसमें यूज कर सकते हो। बट बेस्ट वे ये है, अगर आपको मीठा तेल पसंद है तो प्लीज इसमें ऐड करिए, क्योंकि उसका टेस्ट इसमें बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए, हमारा बढ़िया सलाद बनके तैयार है। तो प्लीज इस रेसिपी को एक बार इस तरीके से जरूर बनाइए, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी और अच्छा लगता है, और ये बहुत बहुत कम कड़वा लगता है। आपको ये जरूर पसंद आएगा, और मैं मिलूंगी आपको एक नए रेसिपी के साथ।